पंजीरी ड्राई फ्रूट या बुनिया या मटन तो नहीं, लेकिन यकीन करो कि इतनी ताकतवर है, इतनी टेस्टफुल है, और साढ़े पंजाब की जबरदस्त तरीन पुरानी रेसिपी जिड़िया साड़िया नानिया दादियां बनांदियां और खुद भी खांदियां और अपने बच्चों नूं घर वाले भी खुवांदियां और अल्लाह पाक करम करदा सारे सेहतमंद रह रहे। देखो ये कितनी खूबसूरत शक्ल है, देख के ही दिल खुश हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज असीं बना रहे हैं गुगनियाँ, जिन्होंने गुगनियाँ भी कहा जाता है और कुंगनियाँ भी कहा जाता है, मुख्तलिफ जबाना मुख्तलिफ इहदे नाम ने। खालस गंदम की डिश है, पंजाब की बड़ी खास डिश है, बहुत ताकतवर है और जी ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि अगर तुम ये हूँ भी यूज़ करो तो यह बहुत ज़्यादा फायदा है। पंजीरियां नू बाकी सब चीज़ों तो भी ये ना क्रॉस कर जाती है क्योंकि ये फाइबर वगैरह सब कुछ ये अंदर है। जिस तरह सूजी के कुछ चीज़ा अलग कर लिया जाए ने, मैदा वगैरह कटिया जाता, ये कुछ नहीं कटिया जाता ना, ये बिल्कुल सेम चीज़ है। एक प्याली ही जी ना गंदम दी है जी, असी रात में भिगो के रखी है, फिर असी मिट्टी के बर्तन च पा के इनू तकरीबन 1.5 घंटा पकाया है तो अच्छे तरीके से गला लिया है। देखिए यदि शक्ल कितनी सॉफ्ट हो गई है, यह हाथ च फड़िया आया बिल्कुल, जोड़े दाने ना बिल्कुल क्रश हो जाते हैं। तो एक प्याली ये गुड़ जाएगा, ऐ तो ड्राई फ्रूट जानगे, ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी देने चाहो तो ऐड कर लो या ना भी करो या कुछ डिफरेंस कर लो, ये कोई मसला नहीं। तो थोड़ी जी ये खसखस जाएगी, ये ताकत में भी बधाएगी, ये टेस्ट में भी बधाएगी। और खसखस जी ना बहुत सारी मामला है, जैसा कि नज़र की कमजोरी है, सिर का दर्द है, उन्हें सब वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नाल ना रहना बहुत ईजी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगी है। सब तो पहले असी कढ़ाई चढ़ाई चुले थे, देसी घी मेल्ट होया थोड़ा जिना ऐड करांगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये असं अपने ड्राई फ्रूट ऐड करांगे, इन्हों हल्का हल्का जो है ना रोस्ट कर लाँगे, क्योंकि रोस्ट होने ना इन्हों की शक्ल भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और इन्हों की खुशबू भी बहुत जी ना जानदार हो जाती है। कट्ठी ऐड करते हैं क्योंकि ना किशमिश जी है ना हल्का जहा इन सेक लगवाना होंगे, ज़्यादा लगवाओ तो नहीं सही रहती। हल्के जहा कड़क गया ना, देखिए हम किशमिश फुल के किड्डी जी ना हेल्दी हो गई है, तो हूँ असं इन अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम सारे ड्राई फ्रूट सारे रोस्ट हो गया, देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल हो गई है। हूँ इसे घी के असी गुड़ ऐड करेंगे और दो इलाचियां, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और नाल ही एक गुड़ सारा ना पानी ऐड कर देंगे, इलाचियां हल्का जी कड़क जान ते नाल ही असी गुड़ सारा पानी ऐड कर देंगे ताकि गुड़ जो है ना अच्छे तरीके ना मेल्ट हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, तकरीबन एक पाओ गुड़ है, जो ना सिर्फ एक छोटी प्याली पानी ऐड करना है क्योंकि असी ना एक तार का शीरा नहीं बनाना, सिर्फ गुड़ में जो ना मेल्ट करना है असी। यह हूँ साडा गुड़ बहुत अच्छे तरीके मेल्ट हो गया, देखिए बिल्कुल यकजान हो गया, और ये हूँ वो गाढ़ा शीरा नहीं बनया, बिल्कुल सिर्फ मेल्ट किया है। हूँ इस स्टेज पर असं ये गंदम शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छे तरीके बर्तन साफ करांगे ताकि रिजक की बेहुरमती ना हो, और नाल ही असं ये खसखास ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खसखास नूं अच्छे तरीके धो के रखे है क्योंकि ये रेत काफ़ी होंगी है, जिन्नी मर्जी तुम साफ लै आवो लेकिन ये रेत ना फिर भी लाजमी रह जाती है। हम अच्छे तरीके असं इन्हें मिक्स करेंगे तो जी ये हल्की हल्की नमी है ना इन असं खुश कर के रख लवेंगे। हूँ असी यदि फ्लेम थोड़ी जिनी तेज़ करके ना तो इन अच्छे तरीके पकावे क्योंकि गली हुई तो ऑलरेडी है, हूँ सिर्फ ये जो है पानी है ना असी इन खुश करना है, बिल्कुल कुछ गुड़ के ऐड होया, कुछ जो है गंदम जिसने बॉयल की हुई ये ऐड की है, तो कुछ चंद कतरे उस टाइम भी ये ऐड हो गए, तो पानी हूँ असी अच्छे तरीके खुश करना है। यह हूँ सारे कुंगनिया गुड़ के ऐड करने के बाद पकदिया हुए तकरीबन 10 क मिनट हो गए, तो हूँ बिल्कुल रेडी हो गया, देखिए दाने च बिल्कुल शाइनिंग आना शुरू हो गई। हूँ इस स्टेज पर असं ये जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे से वो ऐड करेंगे, तो थोड़े जिन्हें पिछले रख लवेंगे जिड़े असं बाद से ना डिश आउट करके जरा ना गार्निश करके तुम दिखावे। ठीक हो गया, बहुत अच्छे तरीके पक गई, बहुत ताकतवर, बहुत टेस्टी, और यकीन करो कि एक दफा असं अगर बनाओगे तो दोबारा भी तेरे करो फरमाइश आएगी, तुम बनाना पड़ेगा फिर। ठीक हो गया जी, हूँ डिश आउट करने तुम ये फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो जी ये सारिया कुंगनिया की फाइनल लुक है, अगर मेरी रेसिपी तुम्हें अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर लाजमी कराया करो, अगर मेरे चैनल पर नवे आने वाले हो तो चैनल सबसक्राइब कर दियो ताकि थोड़ी हौसला अफजाई होंगी है। बाकी मेरी तरफों तुहाडे सब वास्ते दुआवां, हमेशा हंसते वसते रहो, आबाद रहो, अस्सलाम वालेकुम।